हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर टू अस्नेल्स टेल। आज हमें इंग्लिश में चैप्टर टू अस्नेल्स टेल स्नेल के बारे में उसकी स्टोरी, यहाँ पर टी ए आई एल टेल नहीं है, टी ए एल ई टेल माने स्टोरी, स्नेल की स्टोरी इस लेसन में हमें आज सुननी है, समझनी है। तो सबसे पहले तो हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं और फर्स्ट वर्ड है LITTLE, लिटल, लिटल माने छोटा। सेकंड वर्ड इज SNAIL, स्नेल, स्नेल, स्नेल आपने देखी होगी कि मॉनसून के सीजन में ये ज्यादातर देखने को मिलती है और वो इस तरह से दिखती होती है। स्नेल इस तरह से दिखती है, आपकी बुक में ये उसका पिक्चर दिया है, इस तरह की होती है और वो दीवार पर धीरे धीरे से बहुत बहुत ही स्लोली चलती है और उसके सर पर दो एंटीना होते हैं, छोटे छोटे एंटीना जैसे वो होता है और उसके बॉडी के ऊपर एक शेल होता है, राउंड कलर, राउंड शेल का एक शेल होता है। तो ये जो स्टोरी है वो उसके बारे में है, स्नेल के बारे में और उसके शेल के बारे में। तो सबसे पहले हम हार्ड वर्ड्स देखते हैं, हमने देखा स्नेल, स्नेल। थर्ड वर्ड इज गार्डन, जी ए आर डी ई एन, गार्डन। फोर्थ वर्ड इज SMALL, स्मॉल माने छोटा। फिफ्थ वर्ड इज SHELL, शेल, SHELL, शेल। सिक्स्थ वर्ड इज HEAVY, हेवी, हेवी माने वजन में जो हेवी होता है, वजनदार होता है वो। सेवंथ वर्ड इज अपहिल, UPHILL, अपहिल माने टेकरी के ऊपर, टेक कोई भी छोटी सी हिल होती है उसके ऊपर की तरफ। एट वर्ड इज FAIR, फेयर, FAIR, फेयर। नाइन्थ वर्ड इज CROW, CROW, क्रो, क्रो माने कौवा, एक बर्ड का नेम है। टेंथ वर्ड इज टू, TO2, CATCH, कैच, टू कैच माने पकड़ना। इलेवंथ वर्ड इज BORED, बोर्ड, BORED, बोर्ड। थर्ड ट्वेल्थ वर्ड इज FLEW, फ्लू, ये जो है वो फ्लाई का पास्ट वर्ड है, फ्लू, FLEW, फ्लू माने उड़ गया। स्टूडेंट्स अब हम हमारी बुक में देखते हैं, तो इंग्लिश का आपका ये सेकंड चैप्टर है स्नेल्स टेल, स्नेल की कहानी, स्टोरी। अभी येलो बॉक्स में हमें कहा है कि हैव यू सीन अ स्नेल मूविंग, क्या आपने स्नेल को चलते हुए देखा है, तो वो ऐसे स्लोली स्लोली करके वो दीवार पर चलती है। तो हमने यहाँ पे आंसर दिया है यस। हाउ डज इट मूव, स्लो और फास्ट, वो कैसे चलती है, बहुत धीमे धीरे धीरे चलती है या फास्टली रन कर चलती है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हमें देना है स्लो, ये फास्ट मूव नहीं कर सकती है क्योंकि उसका जो शेल होता है वो थोड़ा सा उसे हेवी लगता है। अब हमारा लेसन हम देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स जो दिए हैं ग्रीन बॉक्स में वो उसको हम रीड करते हैं। तो राइमिंग वर्ड में जो फर्स्ट वर्ड है वो है शेल, SHELL, शेल, शेल का राइमिंग वर्ड होता है बेल, BELL, बेल। फिर है डाउन, DOWN, डाउन, उसका राइमिंग वर्ड होगा ब्राउन, डाउन, ब्राउन। फिर नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड का बॉक्स दिया है पीछे भी, फ्लू, ब्लू, FLEW, BLEW, ब्लू, ब्लू। और एक राइमिंग वर्ड है लास्ट वर्ड CANE, कैन, और उसका राइमिंग वर्ड दिया है NAME, नेम, कैन, नेम।
तो स्टूडेंट्स ये जो राइमिंग वर्ड्स है वो आपको प्रॉपरली लर्न भी करने हैं, क्योंकि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इसको सीडब्ल्यू में वन टाइम लिखना है और होमवर्क में भी आपको वन टाइम लिखना है। अब हम देखते हैं इसकी ग्लोसरी। तो ग्लोसरी में फर्स्ट वर्ड दिया है अप हिल। तो स्टूडेंट्स हम ये जो लेसन रीड करेंगे, जैसे जैसे रीड करते जाएंगे हम ग्लोसरी में उसके मीनिंग देखते जाएंगे। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे कहा है लेसन में, अ लिटिल स्नेल कॉल्ड लिली लिव्ड इन अ गार्डन। यहाँ पे हमें स्नेल का नेम दिया है, क्या नेम दिया है, लिली, और वो रहती थी गार्डन में। तो अ लिटिल स्नेल कॉल्ड लिली लिव्ड इन अ गार्डन। एक लिली नाम की छोटी सी स्नेल एक बगीचा में रहती थी। कहाँ पे रहती थी, गार्डन में, और स्नेल का नेम क्या था, लिली। शी वॉज वेरी स्मॉल फ्रॉम हर नोज टू हर टेल। वो अपने नाक से लेकर पूंछ तक बहुत ही छोटी सी थी। हाँ स्टूडेंट्स, जो स्नेल होती है ना वो बड़ी नहीं होती है, वो इसका जो कद होता है वो छोटा सा होता है। तो वो नाक से लेकर अपनी टेल तक वो एक छोटी सी थी। लिली हैड अ राउंड एंड बिग शेल ऑन हर बैक। लिली की पीठ पर एक राउंड गोल और बिग माने बड़ा सा एक शेल था। कहाँ पे, लिली के बॉडी पे, उसकी पीठ पर एक गोल सा बड़ा सा शेल था। द शेल वॉज हर होम। ये जो शेल था वो उसका घर था। बट द शेल वॉज हैवी। पर शेल था वो बड़ा था, इसलिए उसे थोड़ा सा हैवी लगता था। किसको, लिली को। उसको वो जहां जाए वहां पर उसके साथ ये शेल जाता था। ऊपर जाए चाहे नीचे आए, कहीं पर घूमने जाए, तो हर एक जगह पर, क्योंकि ये जो शेल है वो उसके बॉडी के साथ वो चिपका हुआ होता है। तो लिली जहां पर जाती है, जैसे भी मूव करती है, तो ये शेल उसके साथ ही होता है, इसलिए उसे ये थोड़ा सा हेवी लगता था। व्हाइल ट्राइंग टू क्लाइंब अप हिल लिली क्राइड, ओ माय, इट इज जस्ट नॉट फेयर, व्हाई मस्ट आई कैरी माय शेल एवरीवेयर। उसे अपना जो शेल था वो बहुत ही हेवी लगता था। जब वो ऊपर हिल पर चढ़ने जाती थी तभी उसको बहुत ही हेवी लगता था, और वो बेचारी चिल्ला के बोल उठती थी कि ये तो कोई फेयर नहीं है मिस, ये तो मेरे साथ अन्याय है, कि क्यों मुझे अपना ये जो शेल है वो हर जगह पे अपने साथ लेके जाना पड़ता है। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज ऑन हर वे डाउन द हिल, एक दिन जब वो हिल से नीचे उतर रही थी, शी मेट अ बिग क्रो कॉल्ड ब्लैकी। वो ब्लैकी नाम के क्रो को वो रास्ते में मिलती है। ब्लैकी नाम का जो क्रो है उसको वो रास्ते में मिलती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, ग्लोसरी में अप हिल का मीनिंग हमें दिया है। हमने यहाँ पे अप हिल वर्ड हमने अभी रीड किया, तो उस ग्लोसरी में उसका मीनिंग दिया है कि अप हिल का मीनिंग क्या होता है, गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ अ हिल और स्लोप। हिल के ऊपर तक, टॉप तक जाना, और या फिर गोइंग टू बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे आना, या फिर हिल के ऊपर तक जाना। फिर फेयर, फेयर यहाँ पे टू बी राइट, यहाँ पे फेयर मीन्स मेला ऐसा नहीं समझना है, पर फेयर मीन्स टू बी राइट मीन्स उसका पक्ष, ये तो ये न्याय जिसको हम कहते हैं वो। तो यहाँ पर हमने वो वर्ड भी देखा। अब हम आगे देखते हैं लेसन में। ब्लैकी ट्राइड टू कैच द स्नेल। ब्लैकी ने स्नेल को पकड़ने की कोशिश की।
He packed hard, but Lily hid safe inside her shell. उसने बहुत ही जोर से उसको पकड़ने की खींचने की कोशिश की, पर लिली अपने शेल के अंदर छुप गई। लिली अपने शेल के अंदर छुप गई। जब कौवा उसे पकड़ने आया और जोर से उसको अपनी चांच में दबोचने के लिए आया, तो लिली जल्दी से अपने शेल के अंदर छुप गई। ब्लैकी गॉट बोर्ड एंड फ्लू अवे। अंत में ब्लैकी उस शेल के अंदर अपनी चोंच को नहीं डाल सका और लिली को बाहर निकल के पकड़ नहीं सका, तो उसने बहुत ट्राई की, बार बार उसने उसके अंदर चांच मारने की कोशिश की और उसका जो शेल है उसको तोड़ने की कोशिश की, लिली को पकड़ने की कोशिश की, पर वो अंत में थक गया और वो वहां से उड़ के चला गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमें पैक्ड वर्ड जो अभी हमने रीड किया उसका ग्लोसरी में उसका मीनिंग दिया है कि मूव्ड वीक क्विकली एंड बिट। अपनी चोंच से उसको उसने इधर उधर घुमाया शेर के इधर उधर पर, और वो स्नेल मींस लिली उसके पकड़ में नहीं आई। और एक वर्ड अभी हमने रीड किया बोर्ड, उसका भी मीनिंग हमें यहाँ पे दिया है सी लॉस्ट इंटरेस्ट, मींस उसे वो बोर हो गया, कुंटल गया, वो उसे बाहर नहीं निकाल सका। तो फिर क्या हुआ, लिली स्टेड इनसाइड हर शेल फॉर मेनी डेज। फिर क्या हुआ कि लिली बहुत दिनों तक अपने इस शेल में छुपी रही, वो बाहर नहीं निकली, कई दिनों तक इसी शेल में वो छुप के रही। When she came out, जब वो उस शेल में से बाहर आई, she said, everyone should have homes like me. सबके पास मेरे जैसा एक होम तो होना ही चाहिए। पहले उसे अपना ये शेल है वो हेवी लगता था, उसे अच्छा नहीं लगता था, पर जब उसके ऊपर मुश्किल आई तब वो अपने घर में इस शेल में छुप गई और फिर उसे लगा कि नहीं, जो भगवान ने मुझे दिया है वो अच्छे के लिए ही दिया है, अच्छा था कि मेरे पास ये शेल था तो मैंने अपनी जान बचाई, नहीं तो क्रो मुझे खा जाता, उठा के ले जाता और मुझे खा जाता। तो स्टूडेंट्स, आपको भी हमें भी यह इस लेसन से सीखना है कि जो कुछ भी हमारे पास होता है या भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है वो कुछ सोच समझ कर ही हमें मिला होगा और अच्छे के लिए ही हमें मिला होगा। तो जो चीज हमारे पास है उससे हमें खुशी खुशी उसको स्वीकार करना चाहिए, उसे संभाल के रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया है वो हम रीड करते हैं। स्मेल्स कैन डाई इफ दे ईट सॉल्ट और सुगर। यहाँ पर ये फैक्ट दिया है कि जो ये स्मेल होती है वो अगर सॉल्ट माने नमक और सुगर माने चीनी खा ले तो वो मर जाती है, वो नहीं खा सकती है क्योंकि उसे टीथ तो होता ही नहीं है, बराबर। तो स्नेल वो नहीं खा सकती, अगर उसने सॉल्ट या सुगर खा लिया तो वो मर जाती है। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो दी है उसको भी थोड़े से हम रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक इज द स्टोरी इज अबाउट अ ब्लैंक। स्टोरी किसके बारे में है स्टूडेंट्स, बोलो, चलो आंसर दो इसका। स्टोरी किसके बारे में है, यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं, स्नेल के बारे में, क्रो के बारे में, शेल के बारे में है या वॉर्म के बारे में है। यस, ये जो स्टोरी है वो है स्नेल के बारे में, राइट। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्नेल। तो यहाँ पे आंसर आपको देना है स्नेल। फिर है लिली डिड नॉट लाइक कैरिंग हर ब्लैंक। लिली को अपना क्या उठा के इधर उधर ले जाना पसंद नहीं था, तो उसमें आंसर आएगा शेल, आंसर आएगा शेल। देन थर्ड ब्लैंक इज लिली शेल वॉज ब्लैंक। लिली का शेल कैसा था, स्मॉल था या फिर ब्रोकन था, मींस टूटा हुआ था, या फिर प्रीटी सुंदर सा
या फिर बिग था, तो हमारा आंसर आएगा बिग, आंसर हमारा आएगा बिग। फोर्थ ब्लैंक इज अ ब्लैंक वांटेड टू ईट लिली, लिली को कौन खा जाना चाहता था, तो आंसर होगा हमारा क्रो, आंसर होगा क्रो। फिफ्थ ब्लैंक इज ब्लैकी गॉट ब्लैंक एंड फ्लू अवे, ब्लैकी को क्या हुआ और वो उड़ के चला गया, ब्लैकी गॉट बोर्ड, वो कर करके थक गया, कंटाल गया, फिर वो उड़ के चला गया, वहां से उड़ गया। फिर हमें यहाँ राइट एंड रॉन्ग दिए हैं, वो एक्सरसाइज हम देखते हैं। पू चला इफ द सेंटेंस इज करेक्ट और रॉन्ग इफ इट इज रॉन्ग, अगर सेंटेंस राइट है तो उसके साथ हमें, उसके सामने हमें राइट की साइन करनी है, अगर रॉन्ग है तो हमें उसके सामने रॉन्ग की साइन करनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज द स्नेल लिव्ड इन अ गार्डन, स्नेल गार्डन में रहती थी, राइट या रॉन्ग? यस, दिस सेंटेंस इज राइट, स्नेल गार्डन में रहती थी। द स्नेल्स शेल वाज थिन एंड राउंड, स्नेल का जो शेल था वो पतला और गोल था, पतला और गोल था, नो वो तो राउंड एंड बिग था, तो ये सेंटेंस होगा रॉन्ग। नाउ थर्ड सेंटेंस इज द शेल इज लिलीज होम, जो ये शेल था वो लिली का घर था, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। द स्नेल हिड इनसाइड इट्स शेल, स्नेल अपने शेल के अंदर छुप गई, ये सेंटेंस भी क्या होगा, करेक्ट होगा। द स्नेल वॉज हैप्पी इन द एंड, एंड में, अंत में स्नेल खुश थी, तो ये सेंटेंस भी क्या होगा, करेक्ट। और एक एक्सरसाइज है हमें यहाँ पर, ग्रामर का टॉपिक है, उसमें ये एक्सरसाइज दी है कि फाइंड आउट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन देम, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर हमें जो एक्शन वर्ड्स है उसको हमें फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट हमें करके दिया है, बाकी के फोर, बाकी के जो फाइव है वो हमें करने हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज माय सिस्टर ड्रिंक्स कॉफी, तो ये ड्रिंक वर्ड है, ड्रिंक ये एक्शन वर्ड है जिसको वर्ब भी कहते हैं या एक्शन वर्ड भी कहते हैं, ड्रिंक माने पीना, माय सिस्टर ड्रिंक्स कॉफी, तो यहाँ पे ड्रिंक्स के नीचे अंडरलाइन करनी है क्योंकि वो हमारा बनता है वर्ब। सेकेंड इज आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पर ये जो प्ले है वो हमारा बनता है एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब, तो ये इसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। माई मदर वर्क्स इन एन ऑफिस, मेरी मम्मी ऑफिस में काम करती है, तो यहाँ पर वर्क्स है वो वर्ब बनेगा, हमारा एक्शन वर्ड बनेगा, उसके नीचे अंडरलाइन हमें करनी है। फोर्थ सेंटेंस इज माई आंटी डांसेस वेल, मेरी आंटी बहुत अच्छा डांस करती है, तो यहाँ पर डांसेस वर्ड है वो बनेगा हमारा वर्ब, उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। फिफ्थ सेंटेंस इज शी वॉक्स टू स्कूल, वो चल के स्कूल जाती है, तो यहाँ पर वॉक्स वर्ब है वो हमारा एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब बनेगा, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। एंड नाउ लास्ट सेंटेंस इज नीति रन्स फास्ट, नीति फास्ट दौड़ती है, तो रन्स के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि वो हमारा एक्शन वर्ड है, वो वर्ब बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आज आपको एक्सरसाइज समझाई, बाकी इसकी फोटो भी मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी, तो इस चैप्टर को एक बार आपको रीड भी जरूर करना है और फिर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है।